शरण्स बायोलॉजी में पुनः एक बार आपका स्वागत है और मैं आज पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच MCQs के साथ। MCQs मैं बार बार कहता हूँ कि उसका प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि MCQs न केवल आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है बल्कि ये पूरे चैप्टर का, पूरे टॉपिक का रिवीजन भी होता है। आप आज देखेंगे हम लोग फ्रूट का आज MCQs बनाएंगे, तो यह जो पूरा फ्रूट आपने पढ़ा, दैट इज फ्रूट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, देन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स एंड एडेबल पार्ट्स, ये पूरा जो टॉपिक है इसका हम लोग आज रिवीजन कर लेंगे इसी बहाने। तो इसीलिए MCQs जरूर ऑब्जर्व किया कीजिए और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आज आप जब ये लेक्चर ओपन किया होगा आपने, तब फ्रूट टॉपिक को आप पूर्णतः रिवाइज कर चुके होंगे, उसको याद कर चुके होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि MCQs से घबराइए नहीं, उसका आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक तरह से ये पूरे टॉपिक का रिवीजन है। क्लियर? तो आइए हम लोग आज MCQs देखते हैं फ्रूट का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, और कीजिए, Which of the following fruits is parthenocarpic? Parthenocarpic fruit हम लोग पढ़े थे। The fruit which develops without fertilization. Clear? Option A देखें, banana, B brinjal, C apple, D jackfruit. ये question है IPMT 2015 का। निश्चित रूप से आप कहेंगे कि the answer will be banana. आंसर विल बी बनाना, ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। क्लियर? वहाँ बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी ग्रो करता है और एक फ्रूट का निर्माण करता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीड्स ऑफ व्हिच आर डिस्पर्स्ड बाय जैक्यूलेटर, जैक्यूलेटर मैकेनिज्म। पिछले लेक्चर में आप गौर कीजिए, जैक्यूलेटर मैकेनिज्म मैंने बताया था। क्लियर? अब द ऑप्शन इज हेप्टेज, रुएलिया, टोमैटो, यूकैलिप्टस। आप कहेंगे कि आंसर होगा रुएलिया। मैंने बताया था कि रुएलिया का जो फ्रूट है वो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है उसका पेरिकार्प सडनली जर के साथ रप्चर करता है, अब जिसके कारण उसके सीड्स स्कैटर्ड हो जाते हैं। उसमें एक्चुअली कर्व्ड हुक होता है, उसे ही हम लोग कह देते हैं जैक्यूलेटर, जो हाइग्रोस्कोपिक होता है। मैंने बताया था कि वाटर एब्जॉर्ब करता है और वो जो कर्व हुक है वो सीधा हो जाता है, उसी के कारण वह जो फ्रूट है उसके दोनों वाल्व्स सडनली अलग हो जाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड, पैराशूट मैकेनिज्म इज फाउंड इन। कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यदि आप याद करेंगे, समझेंगे फैक्ट को, निश्चित रूप से सक्सेस आपकी मुट्ठी में होगी। अब पैराशूट मैकेनिज्म याद कीजिए, द ऑप्शन इज ट्राइडेक्स, कोकोनट, लोटस एंड एसर। मैंने बताया था कि यह जो पैराशूट मैकेनिज्म है वहां क्या होता है, पुनः रिवाइज कर जाए, कैलिक्स जो है परसिस्टेंट होता है एंड गेट मॉडिफाइड इनटू मेनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पेपर्स, एंड आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द फ्रूट पेपर्स ओपन्स लाइक इन अम्ब्रेला फैशन। क्लियर? तो ये होता है सनफ्लावर फैमिली में। द राइट आंसर विल बी ट्राइडेक्स। यह जो ट्राइडेक्स है ये सनफ्लावर फैमिली, दैट इज एस्टेरेसी फैमिली का ही एक मेंबर है और उसमें पैराशूट मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखिए, सेंसर मैकेनिज्म, सेंसर मैकेनिज्म ये हम लोग पढ़े थे। सेंसर मैकेनिज्म इज फाउंड इन, सेंसर मैकेनिज्म किस प्लांट में पाया जाता है, दैट इज ओपियम, मैंगो, एरेका कटेचू एंड कस्टर्ड एपू। एरेका कटेचू जो है, दिस इज बोटेनिकल नेम ऑफ बेटल नट, सुपारी, कसैली जिसको कहते थे, पान में उपयोग करते हैं हम लोग। तो याद कीजिए सेंसर मैकेनिज्म, सेंसर मैकेनिज्म में आपने कहा था कि फ्रूट के मैचुरेशन के पश्चात उसके सीड्स का डाइसेंस होता है, बट वे सीड्स रहते हैं उसी फ्रूट के अंदर फ्री स्टेट में और उस फ्रूट के ऊपर बहुत सारे एपिकल पोर्स होते हैं, किसी कारण से वह फ्रूट डिस्टर्ब्ड होता है तो कुछ सीड्स निकलकर बिखर जाते हैं। देन द राइट आंसर विल बी ओपियम। एग्जाम्पल याद कीजिए, ओपियम उसका एग्जाम्पल था आर्जिमोन, ओपियम, एरिस्टोलोकिया भी मैंने बताया था। क्लियर?
The next question is in Clematis and Naravalia, also called Traveler's Joy Tree. मैंने बताया था. तो Clematis में Naravalia में dispersal of fruits takes place by structure. Clematis और Naravalia में किस स्ट्रक्चर के कारण फ्रूट्स का डिस्पर्सल होता है? ऑप्शन सुने. द ऑप्शन ए इज ब्रैट्स, बी पेपर्स, सी परसिस्टेंट स्टाइल एंड डी हेयर्स. द राइट आंसर विल बी परसिस्टेंट स्टाइल्स. याद कीजिए, आपने कहा था कि Clematis Naravalia में स्टाइल्स होते हैं परसिस्टेंस, एज वेल एज द स्टाइल्स आर हेयरी. उसी परसिस्टेंट एंड हेयरी स्टाइल्स की सहायता से ये जो Naravalia और Clematis का फ्रूट है वो वायु के माध्यम से डिस्पर्स्ड होता है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6, द स्मॉलेस्ट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट इज. कितना इजी क्वेश्चन है, आपको याद रहेगा निश्चित रूप से. 101% बनना है. स्मॉलेस्ट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, निश्चित रूप से आपके ब्रेन में आ गया होगा. ऑप्शन ए फाइकस, नहीं होगा. ऑप्शन बी ग्रासेस, नो. ऑप्शन सी सिंकोना, नो, दिस इज नॉट राइट आंसर. एंड ऑप्शन डी ऑर्किड. ऑर्किड ही सही आंसर होगा. आपने कहा था, मैंने बताया था, द स्मॉलेस्ट सीड इज ऑर्किड. एंड द, मैं पूछूं यहीं पर कि द लार्जेस्ट सीड इज, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वहीं पर आया था, ये बाई विंड था. एंड सेकेंड जो डिस्पर्सल का मेथड हम लोग पढ़े थे बाई वाटर, उसमें था, दैट इज लोडोएसिया डबल कोकोनट. क्लियर. इसीलिए मैं कहता हूँ कि MCQs में वो सारे टॉपिक का रिवीजन होता है, इसीलिए MCQs का जो मेरा लेक्चर है वो जरूर आप सुनिए, जरूर बनाइए. जितना क्वेश्चन उस टॉपिक में से मैक्सिमम बन सकता है मैं कोशिश करता हूँ उसको इंक्लूड करूँ, इसलिए ये आप सुनेंगे, साथ ही साथ कंसेप्ट भी देता हूँ, तो सारा का सारा चैप्टर का आपका रिवीजन ही हो जाएगा. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिकी फ्रूट्स आर फाउंड. देखिए, ये भी हम लोग पिछले ही लेक्चर में पढ़े थे. कौन ऐसा फ्रूट है जो स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, मैंने बताया था. क्लियर. द ऑप्शन इज एक बेलियम, नो. कास्टर होता नहीं है तो सडनली बर्स्ट करते हैं. बोरहेविया, दिस इज राइट आंसर. मैंने बताया था कि बोरहेविया जो है उसके फ्रूट के बाहर बहुत सारे स्टिकी ग्लैंड्स होते हैं और उसी की सहायता से वह किसी एनिमल के शरीर से चिपक जाता है, एडहेर्ड हो जाता है और काफी दूरी तक चले जाते हैं. देन द राइट आंसर इज बोरहेविया, इसका पूरा नाम होता है बोरहेविया डिफ्यूजा. क्लियर. इधर मिलते हैं, वाइल्ड हैं, गतपोड़ना गतपोड़ा कॉमनली कह देते हैं. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर एट. क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने यहां लिख दिया. क्वेश्चन नंबर 8, लिसन. वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस विंग्ड सीड्स. किसमें विंग्ड सीड्स रहता है? विंग में मैंने आपको एग्जांपल बताया था, फिगर भी बनाया था कि बहुत सारे उसमें थे जिसमें फ्रूट के बाहर विंग था और कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे जिसमें सीड के बाहर विंग था. मैंने कहा भी था कि याद रखिएगा कि इसमें फ्रूट के बाहर विंग है और किसमें सीड के बाहर. क्वेश्चन कहता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस विंग्ड सीड्स, विंग्ड सीड्स किसमें होता है? ऑप्शन ए डिप्टेरोकार्पस, नो, यहाँ फ्रूट होता है, याद कीजिए. ऑप्शन बी हिप्टेज, इसमें भी फ्रूट के बाहर तीन विंग्स थे, डिप्टेरोकार्पस में दो बड़े विंग्स थे. ऑप्शन सी शोरिया, दैट इज शाल सखुआ. शोरिया में भी फ्रूट के बाहर बहुत सारे लार्ज विंग्स थे, फिगर याद करो. द ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दैट इज मोरिंगा ड्रमेस्टिक सहजन, उसके सीड के बाहर तीन विंग्स होते हैं. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 9, ए फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम ए कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड. कितना आसान सा क्वेश्चन है कि व्हेन एंटायर इनफ्लोरेसेंस डेवलप्स इनटू ए फ्रूट इट इज कॉल्ड. ऑप्शन ए कंपोजिट फ्रूट, ऑप्शन बी एग्रीगेट फ्रूट, ऑप्शन सी फॉल्स फ्रूट, ऑप्शन डी सिंपल फ्रूट. निश्चित रूप से आप कहेंगे द आंसर विल बी कंपोजिट फ्रूट या कॉम्प्लेक्स फ्रूट उसी को कहते हैं, या उसी को कह देते हैं हम लोग इनफ्रक्टेसेंस. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द एडिबल पार्ट ऑफ पोमेग्रेनेटिस.
पिछले ही क्लास में हम लोग पढ़े पोमेग्रेनेट में कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं। ऑप्शन ए मीजोकार्प, नो। बी एंडोकार्प, नो। सी पेरिकार्प। ऑप्शन डी कहता है जूसी टेस्टा। मैंने आपको बताया था कि उसमें टेस्टा आउटर सीड कोट को हम लोग कह देते हैं टेस्टा, और वही टेस्टा जो है वो जूसी हो जाता है, रसदार हो जाता है, रूसी पार्ट को हम लोग खाते हैं। पोमेग्रेनेट में याद कीजिए कि सीड के चारों ओर ही जूसी पार्ट है, वही खाते हैं। इसलिए इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है कि वह ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें यदि सीड ना हो तो वह हमारे यूज के लायक नहीं होगा, दैट इज पोमेग्रेनेट। क्वेश्चन नंबर 11, Persistent calyx that becomes fleshy is found in, remember true fruit and false fruit। कहता है persistent calyx, persistent मैंने बताया था जो हमेशा साथ लगा रहे, फ्रूट के साथ भी लगा रहे, कभी गिरता ना हो, तो persistent calyx जो है वो fleshy किस में हो जाता है। ऑप्शन ए टोमैटो, नो। बी डाइलेनिया, दिस इज राइट आंसर। डाइलेनिया याद कीजिए फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, और उसमें कैलिक्स ही जो है फ्लेशी हो जाता है और उसी पार्ट को लोग खाते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, द एडिबल पार्ट ऑफ लीचीज, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, रिपीटेड क्वेश्चन है, नहीं तो कम से कम ये 7 to 10 टाइम्स आए होंगे डिफरेंट कॉम्पिटिशन एंड बोर्ड एग्जाम्स में। आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए कि लीची में क्या खाते हो। ऑप्शन ए एंडोस्पर्म, बी फ्लेशी एरिल, सी सीड्स, डी एंडोकार्प। आप कहेंगे दैट इज फ्लेशी एरिल। मैंने बताया था कि व्हेन देयर इज थर्ड इंट्यूबमेंट आउटसाइड द ओव्यूल इट इज कॉल्ड एरिल, और लीची में वही एरिल फ्लेशी हो जाता है, जूसी हो जाता है, और उसी पार्ट को हम लोग खाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, देखिए ए ट्रू फ्रूट इज, ट्रू फ्रूट क्या है। ऑप्शन ए डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक, नो। ऑप्शन बी डेवलप्ड ओव्यूल, ओव्यूल तो डेवलप करता है तो सीड बनाता है, यहां कह रहे हैं आप ट्रू फ्रूट। ऑप्शन सी फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप्ड ओव्यूल, नो, ओव्यूल तो डेवलप करता है सीड बनाता है, ये भी गलत है। एंड ऑप्शन डी फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप्ड ओवरी, दिस इज राइट आंसर, कि जो फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप्ड ओवरी होता है उसी को वो निर्माण करता है ट्रू फ्रूट का, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, द कोकोनट एंड मैंगो फ्रूट्स आर, मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में जो एग्जांपल हो उसको हमेशा आप याद रखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि मैंगो जो है या कोकोनट दोनों सेम टाइप ऑफ फ्रूट है तो वो किस टाइप का फ्रूट है। ऑप्शन ए बेरी, नो। ऑप्शन बी ड्रूप, यही तो होता है, मैंने बताया था कि मैंगो में और कोकोनट में जो फ्रूट का टाइप है दैट इज ड्रूप। ये अलग बात है, मैंगो में उसको हम लोग कह देते हैं फ्लेशी ड्रूप और कोकोनट में उसको कह देते हैं हम लोग फाइब्रस ड्रूप, क्लियर। ऑप्शन सी कहता है स्पेरिडियम, ये भी नहीं होगा। डी कहते हैं पॉम्स, नहीं होंगे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, एग्रीगेट फ्रूट, हम लोग पढ़े थे कि फ्रूट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट फ्रूट। अब याद करो आप, कितना आसान क्वेश्चन है। एग्रीगेट फ्रूट इज डिफाइंड एज द वन विच डेवलप्स फ्रॉम, एग्रीगेट फ्रूट का फॉर्मेशन जो होता है किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए दैट इज मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी, ऑप्शन बी मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी, सिनकार्पस आप कहते हैं कि फ्यूज टुगेदर, आपस में फ्यूज रहते हैं। ऑप्शन सी मल्टीकार्पेलरी सुपेरियर ओवरी, एंड ऑप्शन डी इज कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस, ये तो बिल्कुल नहीं ही होगा, पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस डेवलप करता है तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रूट, नहीं होगा। मल्टीकार्पेलरी सुपेरियर ओवरी, मल्टीकार्पेलरी है वो सुपेरियर हो या इन्फेरियर हो उससे एग्रीगेट फ्रूट को मतलब है नहीं। ऑप्शन बी कहते हैं मल्टीकार्पेलरी सीन कार्पस ओवरी, आप कहते हैं कि मल्टीकार्पेलरी मीन मेनी कार्पेल्स एंड सीन कार्पस, तो सीन कार्पस है तो सारे फ्यूज्ड हैं तो वहाँ एक ही फ्रूट बनेगा, वो तो एग्रीगेट हुआ नहीं। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी, कि बहुत सारे कार्पेल्स हैं
और सभी कार्पेल्स एक दूसरे से फ्री हैं, सभी फ्री हैं, तो सबका अपना सेपरेट ओवरी होगा और प्रत्येक ओवरी डेवलप करेगा, एक फ्रूट का निर्माण करेगा, अर्थात वहां पर हमको ग्रुप ऑफ फ्रूट मिलेंगे, जैसे आपने कहा था कस्टर्ड एप्पल। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, द एडेबल पोर्शन ऑफ कोकोनट इज, देखिए ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बार बार आता है कॉम्पिटिशन में, कितना आसान सा क्वेश्चन है कि कोकोनट में कौन सा पार्ट खाते हैं। मैंने बताया था कि जो साबुत एंटायर कोकोनट है, आउटर जो स्मूथ सरफेस है, बाहर चिकनी सतह, दैट इज एपिकार्प, उसके बाद जो फाइब्रस उसका बार्क होता है, छाल, उसको छीलते हैं, दैट इज मीसोकार्प, अंदर एक पुनः हार्ड शेल होता है, उसको तोड़ते हैं हम लोग, दैट इज एंडोकार्प, और उसके अंदर जो वाइट पोर्शन निकलता है जिसे हम लोग खाते हैं, दैट इज एंडोस्पर्म। क्लियर? तो वही तो क्वेश्चन है ये कि द एडिबल पोर्शन ऑफ कोकोनट इज, दैट इज एंडोस्पर्म, ऑप्शन ए में ही है, बी कहता है मीसोकार्प नहीं होगा, सी ऑप्शन है सीड कोट नहीं होगा, ऑप्शन डी पेरिकार्प नहीं होगा। क्लियर? और कोकोनट में वाटर है, दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म, हमेशा याद रखिएगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। नेक्स्ट आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए द एडिबल पार्ट ऑफ ऑरेंज इज, आप सोच रहे होंगे कि बस बस हो गया आंसर, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, द एडिबल पार्ट ऑफ ऑरेंज इज, आप ऑरेंज खाते हैं संतरा, उसमें कौन सा पार्ट खाते हैं, ऑप्शन पहले सुन लीजिए, ऑप्शन ए यूनिसेल्ड प्लेसेंटल हेयर्स, क्या प्लेसेंटल हेयर है और वो यूनिसेलुलर होता है, पहले चार ऑप्शन देख लें हम लोग, ऑप्शन बी यूनिसेल्ड एंडोकार्पिक हेयर्स, क्या वे यूनिसेलुलर होते हैं और एंडोकार्प का वो हेयर है, ऑप्शन सी मल्टी सेल्ड एंडोकार्पिक हेयर्स, क्या उसका एंडोकार्प जो है वो हेयर का निर्माण करता है और वो मल्टी सेल्युलर होता है, ऑप्शन डी मल्टी सेल्ड प्लेसेंटल हेयर्स, क्या वो प्लेसेंटल हेयर्स है और मल्टी सेलुलर है। तो एक तो आप जानते हैं कि जितने साइट्रस फ्रूट है, लेमन है, ऑरेंज है, स्वीट जो ऑरेंज है वो मौसम्बी जिसको कह देते हैं, शैडॉक बड़ा नींबू, उसमें जो पार्ट खाते हैं दैट इज जूसी एंडोकार्पिक हेयर। ट्विस्ट यहाँ क्या किया इन्होंने बताया कि वो यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। तो एक बात जानिए, प्लांट में केवल रूट हेयर्स, 11 में रूट हेयर पढ़े थे हम लोग, रूट हेयर्स ही सिर्फ होते हैं यूनिसेलुलर, उस रूट हेयर को छोड़कर प्लांट में कहीं भी आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिले स्टेम पर, लीफ के ऊपर कहीं भी होता है, वो होता है मल्टी सेलुलर। देन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए मल्टी सेल्ड एंडोकार्पिक हेयर्स, है तो एंडोकार्प का ही है बट वो होता है क्या मल्टी सेल्युलर। क्लियर? बस दो क्वेश्चन और है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर था, थोड़ा सा बस आप उसको याद कर जाइए अच्छी तरह, हमेशा के लिए हो जाएगा, और फ्रूट्स एंड एडिबल पार्ट विशेषता वो समझते हुए उसको पढ़ जाइए, दोबारा पढ़ने की चीज़ नहीं है, जो थोड़ा टिपिकल है उसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 19, द एडिबल पार्ट इन द फिग इज, फिग में, अब याद कीजिए फिग में होता है हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस, दैट इज फॉल्स फ्रूट, और फॉल्स फ्रूट है तो मैंने बताया था कि फाइकस फिग, उसमें जो पार्ट खाते हैं दैट इज फ्लेशी रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल ही उसका फ्लेशी हो जाता है और उसी पार्ट को हम लोग खाते हैं, द ऑप्शन इज ऑप्शन ए रिसेप्टिकल, बी जूसी हेयर नहीं होगा, सी एंडोकार्प रॉन्ग, डी एपिकार्प, ये भी गलत है, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रिसेप्टिकल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20, द सीड्स ऑफ मदार, मदार रिकॉल कीजिए, दैट इज कैलोट्रोपिस, इंग्लिश में कहते हैं मदार, हिंदी में कहते हैं आर्क या अखवन। क्लियर? जिसको तोड़ते हैं तो उससे लैटेक्स निकलता है, दूध वाइट जहाँ तहाँ रहते हैं। क्लियर? तो देन द सीड्स ऑफ मदार एंड कॉटन आर डिस्पर्स बाई विंड बिकॉज, ये जो कैलोट्रोपिस है अकवन आर्क मदार और कॉटन कपास, उसके सीड का डिस्पर्सल किस स्ट्रक्चर के कारण होता है, कितना आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन ए लाइटनेस, क्या वे बहुत हल्के होते हैं,
ऑप्शन बी विंग्स, नो उसमें तो विंग्स होते नहीं है। ऑप्शन सी हेयर्स, दिस राइट आंसर। वो आप कोई भी जानता है कि वो कॉटन या जो कैलोट्रॉपिस है, मदार है, उसके सीड्स के बाहर हेयर्स होते हैं और उसी के कारण उनका डिस्पर्सल एयर के माध्यम से होता है। ऑप्शन डी कहता है पैपस, पैपस इज रॉन्ग आंसर बिकॉज पैपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स एंड आर फाउंड इन प्लांट्स ऑफ एस्टरेसी फैमिली। क्लियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट टॉपिक है सीड्स, सीड पढ़ेंगे, देन उसके पश्चात आ जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैंने कहा कि एनसीईआरटी बुक को बिल्कुल सिस्टमैटिक मैं पढ़ाता जाऊंगा, क्लासरूम में भी सिस्टमैटिक पढ़ाता हूं, आपको पढ़ना भी चाहिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक यहां से पढ़ लिया यूनिट 6 का और दूसरा टॉपिक यूनिट 8 का आप पढ़ रहे हो तो ये फिर वो दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ऐसा कई टीचर करते हैं कि कभी कुछ यहाँ से पढ़ा दिया फिर कुछ वहाँ से पढ़ा दिया, तो वैसा करना नहीं चाहिए। आप सिस्टमेटिक पढ़ो, बिल्कुल मैं लगातार पढ़ाता जाऊँ और एनसीईआरटी का तो मैं पेज भी डालता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर। खैर, द लास्ट क्वेश्चन इज मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल इज, लास्ट है उतना ही हल्का है। एप्पल में जो एडिबल पार्ट है उसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि एप्पल पियर ये फॉल्स फ्रूट है और जो पार्ट उसमें हम लोग खाते हैं दैट इज, ऑप्शन पहले सुन लीजिए आप, मीजोकार्प क्या होगा नहीं होगा, ऑप्शन बी कोटाइलेडन्स नो, ऑप्शन सी फ्लेशी थैलमस, दिस इज राइट आंसर। फॉल्स फ्रूट मैंने कहा कि एप्पल में पियर में जो पार्ट खाते हैं दैट इज थैलमस, वो फ्लेशी हो गया और उसी पार्ट को हम लोग खाते हैं, द ऑप्शन डी इज एंडोकार्प नहीं होगा। क्लियर। इस तरह से और भी आप प्रैक्टिस करें, प्रत्येक चैप्टर में जो भी आपके पास बुक है निश्चित बनेगा, नहीं का सवाल नहीं है, बनेगा ही, बशर्ते थोड़ा सा अभी सारा कुछ थोड़ा त्याग करते हुए आप बस 2 साल मेहनत कर लें। मैं बार बार कहता हूँ काफ़ी आकांक्षाएं हैं आपसे, आपके पेरेंट्स को और मुझे भी है निश्चित रूप से कि आप हमसे भी अच्छे बने, तो बस ये 2 साल सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता है। कुछ जो शौक है उसको थोड़ा अभी सप्रेस कीजिए, फिर सारा उम्र पड़ा है अभी मोबाइल देखने का और गप करने का, खेलने का, घूमने का, इसलिए अभी 2 साल सैक्रिफाइस करें। फिर कहीं टेक्निकल में एडमिशन आपका हो गया, मेडिकल तो है ही है, द टॉप मोस्ट जॉब पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, ऑब्लिगेटरी भी है, काफ़ी ऑब्लाइज रहेंगे आपसे लोग, वो नहीं है तो फिर बहुत सारे क्षेत्र हैं बायो में, एग्रीकल्चर है, वेटनरी, डेयरी, बायोटेक्नोलॉजी, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, काफ़ी अच्छे अच्छे क्षेत्र हैं, फिजियोथेरेपी वो भी फार्मा लोग कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आपका होना एवरेज स्टूडेंट का ही होता है। क्लियर। तो मेहनत करें, आगे बढ़ें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे सीट। क्लियर। तब तक पढ़ें, थैंक यू, फिर मिलते हैं हम।